हाय फ्रेंड्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेड इजी के वीडियो में हम पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज कर रहे हैं, जिसमें आर्टिकल्स 343 से लेकर 351 तक होते हैं। आपको इसका नोट्स मिलेगा FB पेज में, fb.me/ पद्मिनी क्लासेस में। आज हम करेंगे आर्टिकल 344, 343 तक प्रीवियस वीडियो में हमने कर लिया, तो एक किस बारे में है। इट्स अबाउट कमीशन एंड कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। कमीशन भी है और कमिटी भी है, इसका क्या मीनिंग है, क्यों है और उनका क्या काम है, देखते हैं। वन, द प्रेसिडेंट शैल एट द एक्सपायरेशन ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर आफ्टर एट द एक्सपायरेशन ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम सच कमेंसमेंट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लागू हुई, तो उसके बाद 5 साल के बाद और उसके बाद 10 साल के बाद एक कमीशन प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। बाई ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट ए कमीशन विच शेल कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन। उस कमीशन में कौन होंगे, एक चेयरमैन एंड सच अदर मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पेसिफाइड इन द 8th शेड्यूल एज द प्रेसिडेंट में अपॉइंट एंड द ऑर्डर शेल डिफाइन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाई द कमीशन। तो 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं उनके उनको बिलोंग करने वाले लोगों से एक कमीशन बनाएंगे, उसमें चेयरमैन होंगे, कुछ अदर मेंबर्स होंगे जैसे प्रेसिडेंट, ठीक समझे। तो पॉसिबल क्वेश्चंस, फ्रॉम विच कैटेगरी ऑफ द सोसाइटी डज द मेंबर्स ऑफ दिस कमीशन कम। तो इस कमीशन में कौन होते हैं, चेयरमैन होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो कहाँ से आते हैं, दे रिप्रेजेंट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ 8th शेड्यूल। सेकेंड, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू मेक रिकमेंडेशंस टू द प्रेसिडेंट। तो मेन इस कमीशन का ड्यूटी क्या है, प्रेसिडेंट को रिकमेंड करना, किस बारे में रिकमेंड करना। फर्स्ट, द प्रोग्रेसिव यूज़ ऑफ द हिंदी लैंग्वेज फॉर द ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ द यूनियन। सबसे पहले हिंदी लैंग्वेज के प्रमोशन के बारे में कैसे करें, वो उसका रिकमेंडेशन। और रेस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज़ ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑल और एनी ऑफ द ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ द यूनियन। तो इंग्लिश 100% यूसेज में था बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंग्लिश लैंग्वेज का यूसेज थोड़ा कम करें, रेस्ट्रिक्ट करें, और हिंदी लैंग्वेज का एक्सपैंड करें। कैसे करें, इसका बारे में रिकमेंडेशंस देंगे। पॉसिबल क्वेश्चंस, हाउ द यूसेज ऑफ हिंदी बी इंक्रीज्ड एंड हाउ द यूसेज ऑफ इंग्लिश शुड बी रेस्ट्रिक्टेड साइमल्टेनियसली। दोनों एक ही साथ, हिंदी को इंक्रीज करते करते इंग्लिश को कम करते करते कैसे करना है, इज़ वन ऑफ द इश्यूज ऑफ द कमीशन। ट्रू और फॉल्स, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, और भी रिकमेंडेशन है, और क्या है, द लैंग्वेज टू बी यूज फॉर ऑल और एनी ऑफ द पर्पसेस मैंशनड इन आर्टिकल 348। इस 348 में क्या है, इट्स अबाउट द लैंग्वेज टू बी यूज इन कोर्ट्स एक्ट्स, मतलब पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में और कोर्ट्स में कौन सा लैंग्वेज यूज़ करना है, वो आर्टिकल 348 में डिस्कस किया। तो उसके बारे में भी रिकमेंड करना इस कमीशन का काम है। किसको रिकमेंड करते हैं, प्रेसिडेंट को। डी, द फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स टू बी यूज फॉर एनी वन और मोर स्पेसिफाइड पर्पसेस ऑफ द यूनियन। तो सारे ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, एक्चुअली हम 1, 2, 3 करके लिखते हैं, तो अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस का अलग अलग न्यूमरल्स होते हैं, तो उनको भी यूसेज में कैसे लाए और लाए ना लाए, लाए तो कहाँ कहाँ लाए, ये सब रिकमेंडेशंस देना भी इस कमीशन का काम है। नेक्स्ट, एनी अदर मैटर रिफर टू द कमीशन बाय द प्रेसिडेंट एज रिगार्ड्स द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन एंड द लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट और बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर एंड देयर यूज़। तो और भी कोई मैटर्स प्रेसिडेंट को लगता है कि ये भी इस ऑफिशियल लैंग्वेज का कमीशन को करना चाहिए, वो भी देंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आपस में कैसे बातें करेंगे, किस लैंग्वेज में करेंगे, उसके बारे में भी रिकमेंड करना इस कमीशन का काम है। हु हैज़ द पावर टू असाइन मोर फंक्शंस टू द कमीशन। किसके पास पावर होता है, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट ने कमीशन को बनाया तो उसको और पावर्स देना और फंक्शंस कराना, वो भी प्रेसिडेंट का ही राइट होता है। नेक्स्ट, इन मेकिंग देयर रिकमेंडेशंस अंडर क्लॉज 2, द कमीशन शैल हैव ड्यू रिगार्ड टू द इंडस्ट्रियल, कल्चरल एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट ऑफ इंडिया एंड द जस्ट क्लेम्स एंड इंटरेस्ट ऑफ पर्सन्स बिलोंगिंग टू नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज इन रिगार्ड टू द पब्लिक सर्विसेज। तो अपने रिकमेंडेशन देने के टाइम ये कमीशन ध्यान क्या रखेगी कि इंडिया प्रोग्रेस कैसे हो रही है, इंडस्ट्रियल वे में कितना हो रही है, कल्चरल वे में कैसे हो रही है, साइंटिफिक एडवांसमेंट क्या हो रही है, तो वो सबको ध्यान में रखते हुए अपना रिकमेंडेशंस बनाएगी। ये नहीं कि सडनली एक दिन बोलेगी कि अब इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं है। और उसके बाद नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स का लोगों के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखते हुए करेगी। ये नहीं है कि हिंदी मैक्सिमम बोल रहे हैं तो बाकी सारे लैंग्वेजेस को निकाल दो इंडिया से। तो पॉसिबल क्वेश्चंस,
द कमीशन शैल हैव नो बयास, बयास मतलब पार्शियलिटी टुवर्ड्स एनी वन लैंग्वेज. बिल्कुल सही है, कोई एक लैंग्वेज के फेवर में नहीं होगी कमीशन. सही है. तो फोर, देर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमिटी. अब कमीशन की बात हो गई, अब कमिटी की बात कर रहे हैं. तो इसमें कौन होंगे, इस कमिटी में देर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ 30 मेंबर्स, ऑफ होम 20 शैल बी द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल एंड 10 शैल बी द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. तो इसका ये कौन सा कमिटी है, पार्लियामेंट्री कमिटी है, पार्लियामेंट के अंदर बने हुए कमिटी. तो पार्लियामेंटेरियंस होंगे उसमें, लोकसभा मेंबर्स, राज्यसभा मेंबर्स 30 होंगे, 20 लोकसभा से 10 राज्यसभा से. तो वो कैसे इलेक्ट होंगे, टू बी इलेक्टेड रेस्पेक्टिवली बाय द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एंड द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. आपस में इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्ट करेंगे किस तरीके से, इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. ये फ्रेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. ये फ्रेज़ आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमने डिस्कस किया, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डिस्कस किया. तो उस तरीके से 30 मेंबर्स इस कमिटी में होंगे पार्लियामेंट से, 20 लोकसभा, 10 राज्यसभा. वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए कमीशन एंड ए कमिटी. A committee is an in-house mechanism, whereas a commission has to be appointed with a proper mandate. तो commission मतलब वहाँ ये इसी office के members होंगे या इसी parliament के अंदर के parliamentarians होंगे या assembly के MLAs ही होंगे, ऐसा नहीं है. commission मतलब कोई भी हो सकते हैं with proper eligibility और उनका कोई mandate होता है, जैसे Central Vigilance Commission, Election Commission, Information Commission, इस तरह से. तो और committee मतलब आपस में committee बनाना. तो सो हाउ मेनी मेंबर्स आर टू बी देयर इन द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, 30, 20 लोकसभा, 10 राज्यसभा. ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में, तो ये याद रखने वाली बात है. नेक्स्ट, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कमिटी टू एग्जामिन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर क्लॉज 1 एंड टू रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट देयर ओपिनियन देयर ऑन. तो कमीशन पहले बनाया, कमीशन रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को दे दिया, तो प्रेसिडेंट उस रिकमेंडेशंस को इस पार्लियामेंट्री कमिटी के पास भेज दिया. तो इन लोग ये लोग भी अपना स्टडी करके उस रिकमेंडेशंस को फिर प्रेसिडेंट को ओपिनियन बताएंगे. कमीशन्स रिकमेंडेशंस आर फॉरवर्डेड टू द कमिटी बाय द प्रेसिडेंट. बिल्कुल सही है. नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 343, तो फर्स्ट आर्टिकल इस ऑफिशियल लैंग्वेज का, द प्रेसिडेंट में आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट रिफर्ड टू इन क्लॉज 5 issue directions in accordance with the whole or any part of the report. तो कमिटी, पार्लियामेंट्री कमिटी का रिकमेंडेशंस भी आने के बाद उसके हिसाब से उसको पढ़ के प्रेसिडेंट एक डिसीजन लेके डायरेक्शंस इश्यू करेंगे. What does the president do once the committee expresses its opinion on the recommendations of the commission? He issues directions as per the report. उस रिपोर्ट के हिसाब से पूरा एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है, थोड़ा करना है, थोड़ा उसके हिसाब से करना है, वो जैसे करना है वो प्रेसिडेंट करेंगे. Is the president bound by the report? बिल्कुल रिपोर्ट पार्लियामेंट्री कमिटी के रिपोर्ट को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना जरूरी है? नहीं है. नो, ही मे और मे नॉट इशू डायरेक्शंस ऑन द होल रिपोर्ट. नेक्स्ट आर्टिकल 345, एक इस बारे में है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ए स्टेट. तो स्टेट्स के लिए भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस होते हैं क्या? अगर होते हैं तो कौन सा लैंग्वेज होता है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स 346 एंड 347, द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट मे बाई लॉ एडॉप्ट एनी वन और मोर ऑफ द लैंग्वेजेस इन यूज इन द स्टेट और हिंदी एज द लैंग्वेज और लैंग्वेजेस टू बी यूज फॉर ऑल और एनी ऑफ द ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ दैट स्टेट. तो स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट लेजिस्लेचर को पावर होता है कि आप उस स्टेट में कौन से लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना है या हिंदी को बनाना है, क्या करना है. तो पॉसिबल क्वेश्चन, एवरी स्टेट में अडॉप्ट वन और टू और हिंदी एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज. बिल्कुल सही है. प्रोवाइडेड दैट अंटिल द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट अदरवाइज प्रोवाइड बाई लॉ द इंग्लिश लैंग्वेज शैल कंटिन्यू टू बी यूज फॉर दोज ऑफिशियल पर्पसेस विद इन द स्टेट फॉर विच इट वॉज बींग यूज इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. तो जब तक लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट प्रॉपरली डिसाइड करके बाई लॉ ना बनाए कोई भी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज, तब तक इंग्लिश लैंग्वेज चलेगा. पॉसिबल क्वेश्चन, टिल ए स्टेट अडॉप्ट लैंग्वेज और मोर एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस, विच लैंग्वेज शैल बी देयर ऑफिशियल लैंग्वेज? इंग्लिश. नेक्स्ट आर्टिकल 346, इट्स अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर और बिटवीन अ स्टेट एंड द यूनियन. तो सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट से बात करना है, कुछ कम्युनिकेट करना है ऑफिशियली, तो कौन से लैंग्वेज में करेगी और दो स्टेट्स आपस में कौन से लैंग्वेज में बात करेंगे?
द लैंग्वेज फॉर द टाइम बींग ऑथराइज फॉर यूज इन द यूनियन फॉर ऑफिशियल पर्पसेस शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर स्टेट एंड बिटवीन अ स्टेट एंड द यूनियन. तो बेसिकली ऑफिशियल कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज में करेंगे जो जिसमें सेंडर और रिसीवर दोनों कंफर्टेबल है. तो पॉसिबल क्वेश्चन, कैन वी से दैट द बेसिक क्राइटेरिया इन कम्युनिकेटिंग इज म्यूचुअल कम्फर्ट. दोनों को समझ आना चाहिए बेसिकली कम्युनिकेट करने के लिए, वो स्टेट्स के बीच में हो, इंसानों के बीच में हो, कहीं से भी हो. प्रोवाइडेड दैट इफ टू और मोर स्टेट्स एग्री दैट द हिंदी लैंग्वेज शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन सच स्टेट्स, दैट लैंग्वेज मे बी यूज फॉर सच कम्युनिकेशन. अगर दो तीन स्टेट्स को लगता है कि आपस में हम हिंदी लैंग्वेज में ही ऑफिशियली कम्युनिकेट करेंगे, वैसे भी कर सकते हैं. सपोज यूपी, बिहार और उड़ीसा, अगर ये लोग समझते हैं कि आपस में हिंदी लैंग्वेज कंफर्टेबल है तो वो हिंदी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल 347, इट्स अबाउट स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द लैंग्वेज स्पोकन बाई अ सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट. एक स्टेट को, एक स्टेट ने एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को ऑफिशियल बनाया और एक और लैंग्वेज या दो तीन लैंग्वेजेस उसी स्टेट में कुछ क्लस्टर्स में यूज़ किया जाता है, तब उस लैंग्वेज के बारे में क्या करें. ऑन ए डिमांड बींग मेड इन दैट बिहाफ द प्रेसिडेंट में, मतलब अगर कोई डिमांड करे उस तरह का, उस डिमांड को पढ़ के समझ के प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं. इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट ए सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट डिज़ायर द यूज़ ऑफ, मतलब कुछ कंसिडरेबल प्रपोर्शन, 20% लोग, 30% लोग, जो भी, इतने सारे लोग चाहते हैं कि एक और भी लैंग्वेज ऑफिशियल हो जाए वहाँ, तब क्या कर सकते हैं प्रेसिडेंट, डायरेक्ट दैट सच लैंग्वेज शैल ऑल्सो बी ऑफिशियली रिकग्नाइज थ्रू आउट दैट स्टेट एंड एनी पार्ट देयर ऑफ फॉर सच पर्पस एज ही मे स्पेसिफाई. तो प्रेसिडेंट अपना विजडम यूज़ करके डिमांड्स देख के उस लैंग्वेजेस को भी ऑफिशियल बना सकते हैं पूरे स्टेट के लिए या कुछ पार्ट्स के लिए, और जैसे जैसे वो ठीक समझें. हु हैज़ द पावर टू डायरेक्ट द स्टेट्स टू रिकग्नाइज मोर लोकल लैंग्वेजेस एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस? प्रेसिडेंट. नेक्स्ट आर्टिकल 348, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन द हाई कोर्ट्स एंड फॉर एक्ट्स, बिल्स एट्सेट्रा. कोर्ट्स के अंदर किस तरीके से कम्युनिकेट होता है, कौन से लैंग्वेज में होता है, और पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के अंदर लोग कैसे कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे के साथ या ऑफिशियली. नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड्स, जब तक पार्लियामेंट नहीं बनाएगी तब तक कौन सा लैंग्वेज होगा, ऑल प्रोसीडिंग्स, कहाँ ऑल प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट एंड एवरी हाई कोर्ट, द ऑथोरेटिव टेक्स्ट, मतलब ऑफ ऑल बिल्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड और अमेंडमेंट्स देयर टू बी moved in either house of parliament or in the house or either house of the legislature of a state, of all acts passed by parliament or the legislature of a state, of all ordinances, मतलब कोर्ट का कम्युनिकेशन कोर्ट के अंदर का और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर के कम्युनिकेशंस, और ऑफ ऑल ऑर्डिनेंसेज प्रोमलगेटेड बाई द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड ऑल ऑर्डर्स रूल्स रेगुलेशंस बाई लॉस इश्यूड अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर एनी लॉ मेड बाई पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट, मतलब ऑफिशियल पर्पसेस के लिए सारे शैल बी इन द इंग्लिश लैंग्वेज. जब तक पार्लियामेंट नहीं बनाएगी तब तक ये सारा काम इंग्लिश में होगा. तो पॉसिबल क्वेश्चन, कैन वी से दैट द लैंग्वेज यूज बाई एनी कोर्ट इज इंग्लिश अंटिल पार्लियामेंट मेक्स एनी अदर प्रोविजन? बिल्कुल सही है. पार्लियामेंट जब तक या स्टेट लेजिस्लेचर जब तक दूसरा प्रोविजन नहीं बनाएगी दूसरे लैंग्वेज के बारे में, तब तक इंग्लिश ही होगा. नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज वन, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट मे विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑथराइज द यूज ऑफ द हिंदी लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज यूज फॉर एनी ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ द स्टेट इन प्रोसीडिंग्स इन द हाई कोर्ट हैविंग इट्स प्रिंसिपल सीट इन दैट स्टेट. तो यहाँ बोल रहे हैं कि इंग्लिश में होगा कोर्ट लैंग्वेज, तो यहाँ कह रहे हैं इस क्लॉज में गवर्नर ऑफ द स्टेट के पास पावर्स होते हैं प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेके ऑथराइज करने के लिए कि और कोई लैंग्वेज, हिंदी हो, जो भी हो, उस स्टेट के हाई कोर्ट में यूज़ किया जाएगा. और ऐसे हाई कोर्ट जिस यहाँ उस स्टेट का प्रिंसिपल से हाई कोर्ट का प्रिंसिपल सीट उसी स्टेट में हो. ऐसा नहीं है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट है, दो चार स्टेट्स के लिए वो कैटर कर रही होती है, छोटे छोटे स्टेट्स है इसलिए, तो वहाँ कोई दूसरे स्टेट का गवर्नर अपना उस स्टेट का लैंग्वेज इस हाई कोर्ट में अप्लाई किया जाए, ऐसा नहीं होता है. ठीक है. पॉसिबल क्वेश्चन, हु हैज़ द पावर टू ऑथराइज एनी ऑफ द लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट? गवर्नर विद कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के अप्रूवल लेके गवर्नर कोई भी दूसरे लैंग्वेज को कोर्ट में यूज़ हो जाए हाई कोर्ट में, यह बता सकते हैं.
प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू एनी जजमेंट डिक्री और ऑर्डर पास्ड और मेड बाय सच हाई कोर्ट. तो ये कोर्ट में यूज़ कर सकते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि जजमेंट्स भी उस गवर्नर ने जो इशू किया कौन से लैंग्वेज में इशू करना चाहिए वो उसमें नहीं होगा, ऐसा नहीं है. जजमेंट्स के ऊपर ये गवर्नर का रूलिंग अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि जजेस जो होते हैं आपस में बांटे होते हैं, यानी कि उस स्टेट के जो लोग बिलोंग करते हैं उसी स्टेट के जजेस हो जाते हैं. सो गवर्नर्स ऑथराइजेशन ऑफ एनी अदर लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन हाई कोर्ट डजंट अप्लाई टू जजमेंट्स एट्सेट्रा. जजमेंट्स हो, ऑर्डर्स हो, कुछ भी हो. तो बिल्कुल सही है, जजमेंट्स के ऊपर नहीं है, इंटरनल इंटरेक्शंस के लिए हैं. तो नेक्स्ट, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज वन वेयर द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट हैज़ प्रिस्क्राइब्ड एनी लैंग्वेज अदर दैन इंग्लिश लैंग्वेज फॉर यूज इन बिल्स इंट्रोड्यूस्ड इन और एक्ट्स पास्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट और इन ऑर्डिनेंसेस प्रोमल्गेटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट और इन एनी ऑर्डर रूल रेगुलेशन और बाय लॉ रिफर्ड टू इन पैरा थ्री ऑफ दैट सब क्लॉज. मतलब अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बना लिया कि हमारे स्टेट में स्टेट असेंबली के अंदर जो भी काम होता है ऑफिशियली वो इंग्लिश में नहीं होगा, किसी और लैंग्वेज में होगा, तब ए ट्रांसलेशन ऑफ द सेम इन इंग्लिश लैंग्वेज पब्लिश्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट इन द ऑफिशियल गेजेट ऑफ द स्टेट शैल बी डीम्ड टू बी द अथॉरिटी शैल ऑल्सो बी डीम्ड टू बी द ऑथोरेटिव टेक्स्ट. तो वो जो लैंग्वेज लेजिस्लेचर ने बनाया वो तो ऑफिशियल होगा ही, लेकिन उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करते हैं और वो भी ऑफिशियल माना जाता है. सपोज अ स्टेट लेजिस्लेचर प्रिस्क्राइब्ड एनी लैंग्वेज अदर दैन इंग्लिश टू बी यूज्ड इन एक्ट्स बिल्स एट्सेट्रा देयर ट्रांसलेशन इज इन इंग्लिश ऑल्सो इज एक्सेप्टेड एज ऑफिशियल. बिल्कुल सही है, वो अपना लैंग्वेज भी यूज़ होगा ऑफिशियल बनाए ऑफिशियल होगा और इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी ऑफिशियल होगा. प्रीवियस से क्वेश्चन देखते हैं. इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. ये क्यूरियस है कि सब अपना अपना लैंग्वेज को ऑफिशियल बना रहे हैं, तो इंग्लिश को किसने बनाया? नागालैंड ने बनाया. द प्रोविजन्स रिलेटिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड और नॉट अमेंडेड. अमेंडेड है तो किस मेजोरिटी से? सिंपल मेजोरिटी, टू थर्ड्स मेजोरिटी, थ्री फोर्थ मेजोरिटी. कैन नॉट बी अमेंडेड. अमेंड नहीं किया जा सकता है क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, और वो भी सिंपल मेजोरिटी से. तो कल का होमवर्क था कि एथ शेड्यूल में लेटेस्ट कौन से लैंग्वेजेस ऐड हो गए, क्योंकि एथ शेड्यूल जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी तब तो 14 थे, आज के दिन 22 हैं. तो लास्ट 4 ऐड हो गए, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली. ये 2003 में ऐड हो गए, तो 22 हो गया इससे. तो आज का होमवर्क है, तो 22 जो लैंग्वेजेस हैं एथ शेड्यूल का, उसमें ऐसा कौन सा लैंग्वेज है बहुत ही कम लोग बात करते हैं. थैंक यू टिल नेक्स्ट वीडियो.